हम सूफिया के यहाँ बुला ही लेता नहीं। हे भगवान बेटा, मान गयला तू? हम क्यों पता रहे तू अपन माँ के बाद टाल नहीं खे सकेला। हे मैं वारी जावा। बस एक बार मॉम के यहाँ से हट जाएगा, कसम ऊपर वाला के इस साइको के तो हम जान से मार दे। जा जा, ये आंख कर दिखा रहा बड़ा, तू हमार कुछ ना बिगाड़ पाई। प्रीता तेरे को काम करा, किचन में जाके एक और थाली रेडी कर दा, ठीक बा? करण और सोफिया भी तो पूजा करी है ना, टेरिस पे लिया यहाँ। बहुत अच्छा आइडिया बा, हम अभी जाके एक और थाली पूजा के लेके आवा थे। बिल्कुल, खुश रहा बेटा। इस बार तो इस साइको बुरा फंसा देली यार, एकरा छोड़म ना हम। मम्मी सब काहे करत आरु, वैसे भी फास्ट न रख ले बड़ी प्लीज। कैसे हो सकेला, जे लड़की तोरा से सच्चा प्यार करेली वो व्रत रख ले ही होई, तो के बतेले ना होई। बस तू चिंता ना करा। हम इतना खुश है, इतना खुश है कि हम बता ना सके नी। ओ पहले प्रीता हमके शलिन और ऋषभ के गुड न्यूज दे ले, और फिर आज तार गुड न्यूज दे देली। हम बहुत खुश है। अब तू लग जा अपन काम पे, ओकरा फोन करा सोफिया के। लव यू, बाय। गुड न्यूज माय फुट, ये प्रीता के बच्ची भाई के लाइफ के ऐसी की तैसी करके रख ले बड़ी, और अब हमारा साथी विवाह करता रही। ये होके लिखे केहू के रिश्ता केहू के साथी जुड़े वाली। हाँ, हमार लाइफ को मजाक नहीं खे, लेकिन एकरा से तो हम बाद में निपटब, एकरा छोड़ब ना हम। नो वेस, ये हमारा साथी ऐसे ना कर सकेली, हमें अपना साथी एकरा ऐसे करे ही ना दे। इतना गहराई से का सोच रहा बड़ा हमार बेटा? भाई हम तो सोचने कि हमार बेटा कोनो सोनी लेकी देख ले होई, लेकिन जब हम नीचे देखनी तो सोनी तो दूर कि वो बूढ़ी ही ना रहे। फिर इतना गहराई के सोच में काहे डूबल बा, बतावा। आप इतने जानत नहीं अपन बेटा के, आपके क्या लगा था कि हमरा लगे इतना समय बाकी हम आज जात लेकी के देखते रही? ना ना, हमार बेटा तब बहुते सीधा बा, अपन पापा के जैसे नॉटी बॉय ना बा। अच्छा सुना, आज माँ बेटा दोनों खुल के बात कर रहे थे, ऐसा कौन सा बात बा जो तोके परेशान कर रहा बा बेटा? मॉम, ये प्यार का होला? प्यार? तू बतावा तोके का लागत बा प्यार का हो खेला? अगर हमरा पता रही तो हम आपसे थोड़ी पूछती इतना गहरा सांस लेके कि प्यार क्या होला। आई डोंट नो मॉम, पता है बा एगो ऐसा चीज बा कि जो हमरा कबो समझे में ना आई, या शायद हम कबो समझ ना पाई नी। करीना बुआ कहे ले कि शर्लिन हमरा से प्यार करे ली, ऐसे व्रत रख ले बिया, लेकिन मॉम हम शर्लिन खातिर ऐसा फील नहीं क्या करत। आई डोंट नो वाई, एगो होला ना जब जब आप केहू के देखे नहीं, आपके दिल में कुछ कुछ होला, एक एक रिएक्शन जिसन होला ना, आप यू नो मोमेंट खातिर आप सब कुछ भूल जानी मॉम। वैसन कुछ शलिन खातिर जैसन हमरा के फील करे के चाहिए, वैसन हम 1% भी ना करेनी मॉम। अच्छा तम के ई बतावा कि हमार बेटा के ई कैसे पता कि केहू के देखे से दिल में कुछ कुछ होखेला? ओ मॉम बतावा। पता ना मॉम, जोन कुछ कुछ होके वाला फीलिंग बा वो आपके हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकत मॉम, लेकिन शरण खातिर हम वो चीज नहीं फील करत मॉम। सच हो बेटा, इतना कंफ्यूज्ड मत हो। कबो कबार जिंदगी में प्यार के एहसास थोड़ा देर से होखेला, लेकिन हमार विश्वास करा, शादीशुदा जिंदगी में हस्बैंड और वाइफ में ऐसा केहू एक भी अगर सच्चा प्यार करेला ना, तो जिंदगी खुशी खुशी बीत जाला। ट्रस्ट मी। कम ऑन मॉम, आप ऐसा बात कहते नहीं, आपके लगे तो डैड बनी जो आपसे इतना प्यार करे नहीं, फिर आप कैसे कह सकते नहीं कोनो एक प्यार आप डैड के प्यार ना करे नहीं? वो वक्त ना करत रहनी जब तुहार पापा के रिश्ता आयल रहे, वो वक्त ना करत रहनी। लेकिन तू तो अपन पापा के जानत ही पाड़ा ना, दीवानों के जैसे हमरा से प्यार करत रहले, हमार घर के चक्कर काटत रहले, हमके इम्प्रेस करे खातिर का कुछ ना कहले वो, फिर तो हम सोच ही लेनी छोड़ा, शादी कर ही लेते, इससे आपा खत्म ही कर देते। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो वक्त हम तुहार पापा के रिश्ता के मना कर देती ना, तो वो हमार जिंदगी के सबसे बड़ भूल होई।
ट्रस्ट मी, तोहार पापा हमके इतना खुशी देले कि शायद हम जिंदगी में उससे ज्यादा और कुछ मांगती भी ना। यही खातिर भाई अगर हमरा से केहू पूछे कि बिना प्यार के शादी करे के चाहिए या ना, तो हमार जवाब तबो ये होई, ये शादी करा प्यार के काबा, प्यार तो हो ही जाए। और ये हम अपन तजुर्बा से बोल रहल बानी बेटा, ट्रस्ट मी। यू नो मॉम, आप सही कहते नहीं, हम इतनी ज्यादा सोचे नहीं। शायद शायद के का मतलब होखेला भाई, तोहार माँ है तो तोहार भला ही सोचब ना, तोहार खुशी हमार खातिर सबसे बड़ चीज बा, समझ गेला ना तू? हाँ यस मॉम। झूठा बड़ा तू, तू हमरा से बिल्कुल प्यार ना करेला। कैसन बेवकूफ वाला बात करता रहू तू? ऑफ कोर्स बहुत प्यार करेला हम तोरा से, और तू जानत हो कि तोहार प्यार में हम दीवानगी के सारा हद पार कर देले हैं। अच्छा, अगर हमरा से इतना प्यार करेला तो फिर हम जब दोपहर को कॉल करनी तो उठेला कहा ना? और तो और, हमरा वापस कॉल भी ना करेला। ई खातिर कि हमार मॉम डैड हमरा साथ रहे, और अगर उनकरा पता चल जायत कि हम दोनों आज भी कांटेक्ट में हैं तो कितना बड़ा हंगामा हो जायत। आई अंडरस्टैंड जानू, हम तो हर सारा प्रॉब्लम समझे नहीं, लेकिन जहाँ तक करवा चौथ के सवाल बाना, हमरा कोनो एक्सक्यूज ना चाहिए, सब कुछ यस में ही चाहिए। काहे कि तू जाने ला शर्लिन खुराना के ना सुने के आदत नहीं है। और हाँ, अगर तू हमार फास्ट खुलवावे ना आयला ना, तो हम तहरा के बिल्कुल भी बख्शब ना। काहे कि ई फास्ट हम सिर्फ और सिर्फ तहरा खाते रखनी। ऑफ कोर्स साहिब, तू जानत हो ना हमरा चैलेंज कितना पसंद है। हालात जितना ज्यादा मुश्किल हो ना, हमके जीते में उतना ही ज्यादा मजा आवेला। यदि हम वहाँ पहुँचब तो का तू हमरा से मिल पाइबो? ऑफ कोर्स 100%। अगर वो ऋषभ के साथ पूजा में भी रहब ना हम, तो ओकरा के भी अधूरी छोड़ के आ जाए। वो बेचारा मिठाई के और खाना के थाल पकड़ के बैठल रही, और हम तो हर साथ रहब। काहे कि ये फास्ट खोले के हक तो सिर्फ तो हर बा। ओके बाय। ओके। एकर मतलब शलिन के बॉयफ्रेंड यहाँ आए वाला बा, लूथरा हाउस में। कुछ तो करे की पड़े। ली जी चाय पी ली। भाई हम सृष्टि के बात से सहमत हैं, और सारा मुद्दा पे गौर करे के बाद हम ही नतीजा पे पहुंचल हैं कि करण प्रीता से प्यार करेला। लेकिन बीजी आप इतना विश्वास से कैसे कह सके नी कि करण प्रीता से और प्रीता करण से प्यार करेली? फिर दिखेनी ये लाल कलर के झंडी, मतलब हम अपन आँख से देखनी, ओकर कोनो वैल्यू नहीं खे। नो भरोसा ऑन सृष्टि की दृष्टि ना सृष्टि, इमे भरोसा वाला कोनो बात ही नहीं खे बेटा। ये भी तो हो सकेला ना कि दोनों के बीच में पक्का दोस्ती होके और हमनी की गलतफहमी हो रही होके हमनी दोस्ती के प्यार समझा दो। प्रीता भी तो हमनी से ये बात की कोनो बात ही ना कहलस। ना ना ना, गलतफहमी के कोनो बात ना बा सरला। बाकी बीच भूल गई लो, खैर हम तो के याद दिलावत है, जब हमार घर पे इतना बड़ मुसीबत आयल रहे तो उ वक्त हमने के निकालस करण, और जब वो कांड भइल रहे उ कांड से हमने के निकालस करण, और जब तू जेल गेल रहलू तो अपन घर वालन के खिलाफ जाके तो के जेल से बाहर के निकलवैलस करण। काहे काहे कि वो अपन होखे वाला सास के बचावे के चाहत रहल ताकि प्रीता खुश हो जाए।